possibility of oxidation of iodide to iodine. तो मेरे अगर मैं यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता तो Pi से I2 बन चुका होता तो Ri तो बनता ही नहीं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why we can't use सल्फ्यूरिक एसिड with iodide to convert alcohol to Ri. तो रीजन होगा सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और वो आयोडाइड की तो ऑक्सीडेशन कर पाता है लेकिन ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स की नहीं कर पाता. और जब वो ब्रोमाइड और क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा तो ब्रोमाइड और क्लोराइड्स के लिए तो हम उसे यूज कर सकते हैं लेकिन आयोडाइड्स के लिए हम उसे यूज नहीं कर सकते. बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है ना सबकी, तो ऑक्सीडेशन के लिए रॉक्स रिएक्शन पे जाना पड़ेगा. तो हम कहेंगे सबके अपने अपने रिडक्शन पोटेंशियल है. आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन और ब्रोमीन से काफी कम है तो उसको ऑक्सीडाइज करना फिर भी आसान है. ब्रोमाइड और क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करना काफी मुश्किल है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कर पाएगा. अगर KMnO4 होता तो कर जाता. ठीक है जी. तो ये आपके पास था हाउ टू गेट एल्कोहल्स टू एल्काइलाइड. आप जरा इसको सम अप करके देखेंगे हमने कितने मेथड्स कर लिए. एल्कोहल से एल्काइलाइड बनाने का मतलब है आपको ये सब याद होना चाहिए कि एल्कोहल में HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला जा सकता है. HBr 48%, PCl 5 वी कैन ऐड, PCl 3 वी कैन ऐड, फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, SOCl2. Then we can have NaBr and sulfuric acid. और एक आपने और लिखा Ki and H3PO4 98%. तो इतने reactions आपने alcohols की. Complete all these reactions, इनके products लिखो कि आपको क्या याद हुआ. टोन नहीं लिखते वहां पर तो आपके टीचर इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं. उसका रीजन है एसीटोन के बिना NaCl कभी प्रेसिपिटेट होगा नहीं. NaCl प्रेसिपिटेट होगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्रोडक्ट आगे की तरफ बनेगा. अगर ये प्रेसिपिटेट ही नहीं हुआ रिएक्शन तो बैकवर्ड चल पड़ेगी. और आपको पता है आयोडाइड इज लेस रिएक्टिव देन क्लोराइड तो आप एक लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव को इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. आयोडीन तो लेस रिएक्टिव है तो आपने एक लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूशन करने की सोच ली. तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे फॉरवर्ड
फोर्स जो है वो ज्यादा हो, तो यहाँ पे एसीटोन डालना मस्ट है. और दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन. इट इज नेम्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन. So we are having Schwartz and Finkelstein reaction that is called halide exchange. So that's about your five important methods to prepare alkyl halides. देख लो, पहले हमने बनाया एल्केन टू एल्काइल हैलाइड, फिर एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, एल्काइन टू एल्काइल हैलाइड.